आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पे क्वेश्चन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन। सो असर्शन में गिवन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द सेंटर ऑफ मास of an isolated system is already at rest, it remains at rest, ठीक है। तो अपन अभी देख लेते हैं assertion और reason को। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जब isolated system होता है तो no external force are acting, so we can write here that for an isolated system, isolate करने का मतलब ये हो गया अपन इसको सराउंडिंग से अलग कर रहे हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिव, नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग हियर एंड इंटरनल फोर्सेस जो भी होंगे वो कैंसिल आउट हो रहे होंगे पेयर्स में, सो जो भी एफ नेट आता है निकल करके वो आ रहा होता है जीरो। तो अपन यहाँ से ये बोल सकते हैं दैट मास मल्टीप्लाइड बाय डीवी बाय डीटी, दिस इज एफ नेट and this is equal to zero. यहाँ से अपन बोल सकते हैं dv by dt is equal to zero. Now from this equation we can comment that जो velocity होगी वो zero होगी। अगर किसी चीज का भी differentiation zero होता है तो अपन ये मान लेते हैं कि वो चीज क्या है, constant है, right? So we can write here that v is constant here. और ये जो वी है ये सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं अपन, राइट? सो इट इंप्लाइज दैट इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलरेडी एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट आल्सो। सो यहाँ से अपने पास दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गया। पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये था द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल सही। यहाँ पे पता चल गया कि जो वी होगा ना वी सी एम कांस्टेंट होगा, राइट? अगर आप कोई बॉडी पहले रेस्ट पे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज ऑलरेडी एट रेस्ट, तो v कांस्टेंट होना है उसका। अगर v cm उसका जीरो है इनिशियली तो फाइनली भी जीरो होगा। सो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट एक्चुअली रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, इन स्पाइट असर्शन इज एक्सप्लेनिंग द रीजन। सो वी कैन गो विद ऑप्शन टू, दैट इज both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. So we can write here that our best option number 2 is the correct answer. So ye apna yahan pe final answer nikal karke aa gaya. Thank you. Class 6 to 12 se leke NEET, IIT, JEE mains aur advanced ke level tak 10 million se zyada students ka bharosa। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।